हेलो स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर अ कॉनकेव मिरर कैप्ड एट अ ओरिजिन विद फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, ओरिजिन पे रखा है वो, जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। पैरेलल रेज विच सबटेंड एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 1/40 रेडियंस आर इंसिडेंट ऑन इट। पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू 1/40 रेडियंस है। एक कॉन्वेक्स मिरर इज कैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25। इस मिरर से एक और कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव था, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम ऑफ मिरर आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ये दोनों मिरर मिला के जो दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, पहला रिफ्लेक्शन तो ये रेज आई, पड़ी रिफ्लेक्ट होकर इधर आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर जैसे बैक आएंगी इससे रिफ्लेक्ट होंगी। जब ये वाला रिफ्लेक्शन कर देगा तो जो इमेज बनेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें पता। तो वन बाय वन चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले इस मिरर को देखते हैं, चूंकि पैरेलल रेज आ रही है, मतलब इन रेज के लिए जो वी होगा वो, सॉरी यू जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस इनफिनिटी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं बाय साइन कन्वेंशन। तो अगर कोई भी रेज इनफिनिटी से आ रही है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकल प्लेन। तो समझो बच्चे, ये रेज आई, ये एंगल अगर मतलब थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी रेज जो है फोकल प्लेन में जाके, फोकल प्लेन में जाके इमेज बनाए। इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, क्योंकि ये थोटा थीटा एंगल सबटेंड कर रही थी, तो इस तरह से रिफ्लेक्शंस होंगे। ये वाली जो एग्जैक्टली पोल पे इंसिडेंट होगी वो एग्जैक्टली थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाकी सब डिफरेंट एंगल पे होंगी, लेकिन हमें ये मालूम है कि फाइनल इमेज फोकस पे बन रही है। तो ये दोनों रेज आके फोकस पे मिल। अब बच्चे इस ट्राइंगल को देखता हूं मैं, इसका नाम ए बी और सी लग। तो ट्राइंगल ए बी सी को मैंने अलग से वापस से बना लिया, तो समझना बच्चे हमें ये डिस्टेंस एच अननोन है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस फोकल प्लेन में बनी है, मिरर से फोकल प्लेन में बनी है मिरर के, मतलब मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर पे ही बनी होगी। और ये एंगल थीटा भी हमें पता है कितना है, 1/40 रेडियन। तो हमें मालूम है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं एच अपॉन 40 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा के बराबर है। चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो 10 थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू थीटा इंटू। इतना क्लियर है, थीटा अपने पास कितना था, 1/40 था, तो एच की वैल्यू आ गई 1/40 इंटू 40 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये 1 सेंटीमीटर हमने तो मैग्नीट्यूड बनाया, बाय द रे डायग्राम हमें पता चल रहा है वो नीचे की तरफ, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या लिख दिए, 0, क्या लिख दिए बच्चे, 0, इतना क्लियर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी समझ ली। अब ये जो इमेज बनी इसके लिए क्या बने, कैसी ट्रीट होगी, ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में बाकी सारी चीजें आप भूल जाइए, पहले क्या क्या हुआ किसी मतलब का नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना सा मालूम है कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जिसकी यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है नीचे की तरफ, या फिर मैं ऐसा कह दूं 0, -1 पे एक पॉइंट है जिसकी इमेज इसने बना ली। अब अगर बच्चे ये टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 25 है, तो बच्चे ये डिस्टेंस क्या 15 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही, मतलब M2 के लिए
मिरर टू के लिए अगर मैं यू की बात करूं, प्रोपोगेशन ऑफ रे की डायरेक्शन में ही है, तो ये प्लस का 15 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इस डेटा को अगर बच्चे में मिरर फॉर्मूला में पुट कर, इसमें 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पे पुट भी किया है, यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू और वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 30। वी की वैल्यू आ गई बच्चे प्लस का 30। अगर इस मिरर के लिए सॉल्व करके मैं लिख भी दे रहा हूं, वी की वैल्यू प्लस का 30 आ गई, तो मैग्निफिकेशन की बात करूं, माइनस का वी बाई यू डिफाइन करते हैं, तो माइनस का 30 बाई यू कितना है बच्चे 15, कितना आ गया माइनस का, मतलब इन्वर्टेड इमेज ये नीचे की तरफ है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी, कितनी माइनस, मैग्निफिकेशन माइनस टू मतलब इन्वर्टेड, और डबल साइज बनेगी मतलब 2 सेंटीमीटर की बनेगी। तो अगर हमसे क्वेश्चन में सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, एक्स कोऑर्डिनेट की लोकेशन तो पूछी नहीं है, तो हमसे वाई कोऑर्डिनेट पूछा तो आंसर हो जाएगा 2। लेकिन मान लो हमसे क्वेश्चन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पूछा होता, तो हमने देखा इस मिरर से 30 सेंटीमीटर पे आया, मतलब ओरिजिन से कितने भी आया होगा 30 + 25 = 55, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिखने हो तो 55, 2। क्वेश्चन में चूंकि वाई कोऑर्डिनेट पूछा था तो अपना आंसर फाइनली कितना है बच्चे, क्लियर है, सारी बातें मैंने यहां पे डिस्कस कर दी। थैंक यू बच्चों।